वेलकम बैक माई चैनल लिली की ब्लॉग फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे फैमिली में भी सब स्वस्थ और मस्त हैं, और आप लोग के फैमिली में भी मैं भगवान जी को प्रेयर करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, आज है चढ़खाई, मतलब मैं जो कुछ सब छोड़ रही थी आज से मेरा शुरू हो जाएगा। प्याज खाऊंगी, प्याज लहसुन और कुछ सब्जी, मतलब पोई लाऊ, मतलब जो लौकी लौकी पोई वो वगैरह मैं नहीं खाती थी, खा रही थी एक महीने तक। तो चलिए बने रहिए वीडियो पर। आज नॉन वेज मतलब अंडा करूँगी, बने रहिए वीडियो पर। और क्या क्या करूँगी और क्या क्या नहीं ब्लॉग में आगे देखते जाइए। चलिए हम किचन में घुसते हैं, किचन में घुसकर कुछ काम वगैरह करते हैं। हाय हाय, सुबह का तो जो मैं काम करी थी वो तो आपको नहीं दिखाई पहले, तो पहले आपको वेलकम करी। तो ये देखिए, मैं कुछ मिर्ची का पौधा है जो बारिश की सीजन में मैं लगाई थी, तो वो ना अभी मिट्टी थोड़ा हार्ड हो गया, तो वो कोदाल से ही मैं उसको खुदाई कर रही थी। कोई तो नहीं मिलते हैं, बार बार कह रही हूँ, तो अपना काम खुद ही करो भाई। एक दिन में 3-4 पौधा को मैं इसे खुदाई करूँगी तो मेरा 3-4 दिन में हो जाएगा फूल। तो ये देखिए, उस टाइम हुआ था 7 बज गया था उस टाइम। तो ये मैं कर रही थी, 3-4 पौधा मिर्ची का है, मैं बागान से ही मिल जाता है मिर्ची, तो ग्रीन मिर्ची बागान से ही मिल जाता है। तो मैं ये खुदाई कर रही थी, और वो जो खुदाई करते करते घास वगैरह भी हो गया था, अभी तो बारिश बहुत दिनों से नहीं हुई, तो थोड़ा सा मिट्टी हार्ड हो गया है। पानी तो दे रही थी थोड़ा, इसलिए तो थोड़ा सा मिट्टी नरम था, लेकिन साड़ी वाला ना थोड़ा सा हार्ड था, तो उसको मैं खुदाई कर रही थी। अभी खुदाई करके मैं पानी नहीं दूंगी तो जो पौधा मर जाएगा, तो मैं ये खुदाई कर रही थी। किसी कोई तो नहीं मिलते हैं, चलो खुद ही कर लेते हैं भाई, अपना काम खुद ही करो। हम गांव वाले, हम विलेज वाले, इस टाइप का ही हम मैनेज करते हैं खुद का काम, और क्या करें। कोई नहीं मिलते हैं घर में, तो कोई तो नहीं है, और हस्बैंड को तो ये सब, मतलब मैं उनको बोलूँगी तो एकदम पौधा को उखाड़ के ही काट के ही फेंक देंगे। उसके बाद ये देखिए, गोबर में लिपाई पोताई कर रही थी जो हमारे घर के सामने, ये धूल उड़ेगा तो इसीलिए मैं क्या करी ना, और जो गोबर था हमारे सामने के घर में, उनका गाय है तो गाय से गोबर लेकर आई, गोबर को मैं लिपाई कर रही थी, लिपाई पोताई कर रही थी। ये काम भी हमको आता है, सीख गए हैं, लेकिन हम तो गांव में ही पले बड़े हुए हैं, तो हमको ये आता है। और आजकल का बच्चे को उनको वो तो कभी कर नहीं करे हैं, तो उनको क्या पता होगा, लेकिन हमको अभी पता है। उनको तो झाड़ू करना भी मुश्किल हो जाता है, लिपाई पोताई क्या करेंगे भाई। आजकल का तो बच्चे टाइल्स वाला घर में रहते हैं, तो उनको ये सब काम कहाँ आता है। पोछा वगैरह कर लेंगे, लेकिन मुझे पहले से ही ये आता था। तो देखिए, इधर लिपाई कर दी हूँ गोबर से, अच्छा है। और ऊपर से कल गुरुवार भी है, तो अभी मैं लिपाई कर रही थी पानी देकर ऐसे ही, तो थोड़ा थोड़ा फ्रेश भी लगेगा। तो मैं बोल रही थी ना, किचन में घुसते हैं, तो आज है छड़खाई। छड़खाई में मैं आज, घर में कोई नहीं तो मैं अंडा करी ही बनाऊंगी। तो आलू देखिए प्रेशर कुकर में मैं लगा दे रही हूँ। कोई है, कोई मैं बागान से ही उसको निकाल लाई हूँ। तो ये मेरे बागान में हुआ था। और ये देखिए, टमाटर को मैं, टमाटर को चीरा लगा कर, जो लहसुन देकर उसको मैं तेल डालकर कढ़ाई में ही सेक दी थी, और मैं फूल नहीं दिखाई। तो अंडे की सब्जी हमारा कैसे बन रहा है देख लीजिए, यम्मी यम्मी। तो फूल दिखाऊंगी तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो ये देखिए, जो कांच की बाउल में जो मेरे फूल को मैं पूजा कर लेती हूँ, पूजा के बाद जो रह जाता है ना, वो फूल को मैं बाउल में सजा दूंगी, तो अच्छा लगेगा देखने में भी, लुकिंग बहुत ही अच्छा लगेगा।
तो ये मैं सजा रही थी। मैं तो सुबह का टाइम नहीं मिला तो मैं आने के बाद ही, सबसे आने के बाद ही लगा दी हूँ। और कितनी अच्छी लग रहा है, देखिए आंखों को देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, मैं लहसुन, मेरे घर की जो बागान की जो देसी स्टाइल का जो लहसुन है, उसको मैं, उसका जो बीज को मैं खोल रही थी, लहसुन की कली को, बीज को क्या बोल रही हूँ मैं, कली, लहसुन कली को मैं खोल रही थी लगाने के लिए। इस साल तो मैं लहसुन नहीं लगाने वाली थी, लेकिन क्या करें, मैं रखने के लिए तो दूसरे, मतलब अगले साल मैं किसी से तो नहीं मिलूँ, नहीं मिलेगा, तो जो देसी स्टाइल का होता है उसको ही लगाते हैं, है, लेकिन वो तो अगले साल तक नहीं रहेगा ना, इसीलिए मैं लगा देती हूँ। एक दो छोटा वाला क्यारी बना के ही मैं लगा लूँगी, तो अगले साल के लिए अच्छा होगा। और अभी तो लहसुन बहुत कम रेट में मिलता है, तो इसीलिए मुझे लगाने को भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन जो मेरे बागान तैयार हुआ है, मिट्टी, बागान का मिट्टी तैयार हुआ है, तो क्यों ना लगाऊँ। इसीलिए मैं सबसे आने के बाद ये सब्जी मैं तो बना दी थी, जो करी, अंडा करी बना ली थी। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको खोल रही थी, इसका कलिया को, और उसके बाद मैं लगाऊंगी। और ये सब मेरा होता है काम, और क्या, कौन सी टाइम में क्या करूँ पता नहीं होता है, जब जो मन करता है मैं वही कर लेती हूँ। तो ये देखिए, क्यारी बना के जो कोदाल में खुदाई करके इसको मैं लगा रही थी, मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करके। मिट्टी थोड़ा सा मोटा था, तो ये जो लकड़ी है, लकड़ी से ही मैं मार के उसको तैयार कर रही थी, और खुदाई करके, तो बैठ के ही मैं खुदाई कर रही थी। और कमर तो दर्द बहुत होता है भाई, क्या करूँ, कमर दर्द होता है, मन तो मानता ही नहीं। चलो कुछ कर लेते हैं, अपने बागान ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई देगा तो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत खुशी मिलता है। तो अभी मैं लगाई हूँ जो हमारा पालक, धनिया और साग वगैरह तो अभी हो रहा है, छोटा छोटा हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो हमारा प्याज का बीज है, उसको भी मैं बो दी हूँ, वो भी हो रहा है, अंकुरित हो गया है, वो भी हो जाएगा, तो उसको भी लगाऊंगी। ऐसा मेरा होता है, कौन सी टाइम में क्या करूँ, मेरा मन क्या करता है, कब ऐसा करना होता है। तो आपने बनाई ही, बनाई हुई कुछ भी चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है। तो लहसुन वैसे तो मुझे अच्छा लगता है खाने के लिए ऐसे। तो ये देखिए, हम दोनों मिलकर ही जो लहसुन कलियाँ लगा रहे थे, तो ऐसे मतलब लगा लगा कर, एक एक कर कर मैं लगा रही थी। पिछले साल तो मैं बहुत लगाई थी एक साइड में, लॉन्ग मतलब बहुत लगाई थी। इस साल जो इतने लहसुन कम रेट में मिलता है, तो बेकार में इतना क्यों मैं परिश्रम करूँगी, इसलिए मैं नहीं लगाने वाली थी। तो चलो लगा लेते हैं, कुछ तो रह जाएगा लहसुन। तो ये दोनों मिलकर ही, ये बहू भी क्या करती है ना, अकेले हो जाती तो मेरे साथ आकर बातें करते करते हम दोनों लगा रहे थे, देख लीजिए। तो ऐसा होता है काम मेरा, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं, मैं अब करूँगी अब नहीं, ऐसा टाइम नहीं। और ऊपर से बारिश होने वाला जैसा होता है, जो बादल उठ रहा है अभी, तो शायद होगा कल परसों से बारिश, ऐसे कहते हैं, न्यूज़ आ रहा है कल परसों से बारिश होगा, तो देखते हैं बारिश होता कि नहीं। अभी मैं लगा दूँगी तो बिना पानी के ही कम से कम तो लहसुन का पौधा उठ जाएगा, इसीलिए मैं मतलब सबसे आने के बाद ये लगा रही थी। तो ये मैं लगा रही थी, और आज है छड़खाई, मतलब जो कुछ हम नहीं खा रहे थे आज के, तो नॉन वेज में मेरा हस्बैंड और बेटी भी तो नहीं है, तो मैं जो मटन या चिकन कुछ या मछली कुछ नहीं करी, ऐसे अंडा करी ही बनाई थी। और आगे देख लीजिए मेरे जो नॉन वेज थाली, देख लीजिएगा और कैसा है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत दिनों से, 1 महीने से नहीं हुआ था, तो देखिए कैसा लग रहा है, टमाटो पूरी और अंडा करी। तो चलिए आज का ब्लॉग उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय बाय।